भागलपुर के मायागंज अस्पताल में अंतरजातीय प्रेम विवाह की निर्णय से नाराज परिजनों के द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से घायल सहरसा जिला के सोनबरसा स्थित हटिया रोड की निहारिका का इलाज चल रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अंतरजातीय प्रेम विवाह की निर्णय से नाराज पिता और चाचा ने युवती पर जानलेवा हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने घायल युवती को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़िता का कहना है कि वो बालिग है और अपने मर्जी से दूसरे जात के लड़के से शादी करना चाह रही थी, लेकिन परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था और पिता और चाचा ने उसकी जमकर पिटाई की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद परिजनों ने बीच बचाव कर उसे स्थानीय PHC में भर्ती कराया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में रेफर कर दिया गया। निहारिका LLB और CS की पढ़ाई कर चुकी है और वर्तमान में अपने पार्टनर के साथ लॉ फर्म चला रही है। कुछ दिन पहले ही अपने पार्टनर के साथ उसने शादी का फैसला किया था। इस बात की जानकारी जब पिता को चली तब लोग इसका विरोध करने लगे और फिर शनिवार को युवती पर जानलेवा हमला किया। पीड़िता का कहना है कि न्याय के लिए वो पुलिस के पास जाएगी। वहीं पुलिस अभी शिकायत दर्ज नहीं होने के कारण किसी भी कार्रवाई से बच रही है और उनका कहना है कि शिकायत दर्ज होने पर कार्रवाई की जाएगी। चाचा लोग, पापा लोग, पापा मेरा फोन तोड़ दिए, पापा हमको थप्पड़ वगैरह मारना शुरू किए, फिर चाचा लोग आए और हमको मारने लगे, मेरा बाल वगैरह खींच के डाउन करके पूरा मारने लगे। ठीक है, उसी दौरान वो एक धारदार उससे मेरे ऊपर वार किए, जिससे कि हम बचाने के लिए हाथ को ऐसे किए तो उसमें लग गया और फिर हम भागे वहाँ से ऊपर। हमको चाची लोग, बड़ी दादी की बहू लोग बचाई, बच्चा लोग खींचा, उसी में हम भागे छत तक, छत से फिर हम लोग पीछा किए भाग मारने के लिए। तो हम वहाँ से, अब वो लोग शायद पुश कर दिया कि क्या गिर गए, और फिर हमको बड़ी दादी के बेटा उनको बचाए, फिर मेरा हाथ जो कटा था उसमें कपड़ा बांध के हमको ले गए हॉस्पिटल। चाचा मेरे बड़ी दादी के बेटा, अपने चाचा नहीं, अपने चाचा लोग तो मारे। उसके बाद फिर वहाँ हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल, हमको एडमिट नहीं किया क्योंकि मेरा सीवियर कट था। बोला मेरे से स्टिच नहीं होगा, केस गड़बड़ा जाएगा, या तो भागलपुर रेफर करो या तो पटना सहरसा ले जाओ। लेकिन तत्कालीन मेरा इतना भयानक कट था कि हमको स्टिच मारना ज़रूरी था, ब्लड बहुत ज़्यादा गिर रहा था। तो मेरे सर होने वाले जो ससुराल वाले हैं, बिल्कुल इस घटना का वजह क्या रहा या फिर वजह है कि हम इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, प्लस हम अपने घर में अपने इच्छा से दुकान वगैरह रेंट पे लगाए, घर में रिनोवेशन वगैरह हम खुद से करवाते हैं, तो वो लोग चीज़ उनको पसंद नहीं आया। क्या चीज़ था एक्चुअल खुन्नस है पता नहीं। मारते वक्त तो शादी के बारे में बोल रहे थे कि ब्याह कर दी ओकरा से, जबकि आई एम ऑलरेडी 28 ईयर्स ओल्ड, आई एम अर्निंग पर्सन, आई एम सोली इंडिपेंडेंट पर्सन, बट आई डोंट नो व्हाट दे हैव प्रॉब्लम विथ मी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है तो हम तो मम्मी के साथ नानी घर आ जाते, लेकिन अभी ऑडिट का टाइम स्टार्ट हुआ है, काम का टाइम स्टार्ट हुआ है, तो हमको तो काम था इसलिए हम रह गए वहाँ पे। और कोई वजह है? और कोई वजह है? देखिए, वजह तो हमको इंटरकास्ट मैरिज ही लग रहा है। और भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मोतीचक गांव में मानसिक रूप से कमजोर दीपक कुमार के द्वारा तेज धारदार हथियार से गांव के दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं दो लोगों को तेज धारदार हथियार से घायल कर दिया गया था, जिसके बाद DSP डॉक्टर गौलम मंगला देर रात भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिले और उनकी स्वास्थ्य का हाल चाल जाना। वहीं इस मामले पर DSP ने बताया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों ने मृतकों के शव को पुलिस को उठाने नहीं दिया, जिसके बाद लोगों को समझाने बुझाने और शव का अंतिम संस्कार कराए जाने को लेकर काफी संख्या में पुलिस बल गांव में तैनात कर दिए गए हैं। जी, अभी हम लोग महिषी में थे और ये जख्मी हैं और महिषी की भी रहने वाली हैं, तो इनका इलाज के लिए हम लोग देखने आए थे कि स्थिति में है, तो इनको दिक्कत तो नहीं हो रही है। परिजन सबसे भी हम लोग मिले, महिषी में भी इनके परिजनों से मिले थे, तो हमने बोला था कि लोग जाके खुद देखेंगे कि कोई भी उनको दिक्कत ना हो, और जो भी यहाँ के स्टाफ हैं ये भी स्टाफ ये सब क्या स्वस्थ किया इनके परिजनों को या स्टाफ को क्या निर्देश दिया आपने? बस ये है कि अच्छी तरह इन्हें अटेंड करें और कोई दिक्कत नहीं हो, और कुछ भी हो तो हमें सूचित करें, और जितने भी जो डॉक्टर हैं, सिस्टर हैं, थोड़ा सा एक्टिव रहें। अभी कैसी स्थिति है उनकी? अभी स्थिति जो है एज पर डॉक्टर जो है अभी खतरे से बाहर हैं, अभी नॉर्मल है,
और बस अभी रिकवरी में थोड़ा सा समय लगेगा, तो मतलब होपफुली थोड़े दिन में रिकवरी हो जाएगा। भागलपुर में दर्जनों ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ हमेशा बदतमीजी करती है, डंडे से ई रिक्शा पर मारा जाता है, इस विरोध में आज हड़ताल पर हैं। जिला प्रशासन से मिलकर इस पर बात करेंगे, क्यों हम ई रिक्शा चालकों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। हड़ताल के दौरान सड़क पर अगर ई रिक्शा दिख रही थी तो प्रदर्शनकारी चालक ई रिक्शा चालक के साथ धक्का मुक्की कर और ई रिक्शा के टायर का हवा निकाल कर साइड करवा देते थे। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं को और लोगों को पैदल चलने पर मजबूर होना पड़ा। सभी ड्राइवर हम लोग परेशान हो चुके हैं अवैध वसूली से, मारपीट से, गाली गलौज से। ये पार्किंग वाले और पुलिस वाले हम लोग को जीना हराम कर दिया। काम हो गया भैया, कमाना मुश्किल हो गया। कल भी हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं, मीटिंग किए हैं, कभी लाइसेंस के नाम पर, कभी इंश्योरेंस के नाम पर, कभी इसी के नाम पर मारा जाता है रोज। हम लोग, ये प्रधान कार्यालय हमारा यूनियन का, हम लोग मिलते जुलते सब यही हैं, हर कार्यक्रम यहाँ से करते हैं। रास्ता चलते हम लोग को मारा जाता है, बताइए क्यों? हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष को मारा गया, हमारे ड्राइवर को मारा गया, लहू लुहान पुलिस वाले नहीं करते, इंजरी रिपोर्ट बनती है, जानते हैं वो लोग। आप मार दिया, ये दुर्व्यवहार नहीं हुआ? लाठी से मारता है, दुर्व्यवहार नहीं हुआ? ये किस तरह का मानवता जी रहे हैं आप? हम मैं आज हमारे सभी ड्राइवर परेशान हैं। हम लोग आज ये निर्णय ले ही लेंगे कि करना क्या है, या गाड़ी चलाना बंद कर देंगे तो हमारी रोजी रोजी की संभाल हो जाएगी, सरकार देगी खाने, जिला प्रशासन देगी, क्या करेंगे? कमाने के लिए अगर मार खा जाए तो ये संभव नहीं। भागलपुर में ठंड की आहट हो चुकी है। नगर निगम द्वारा वैसे तो हर वर्ष ठंड बीत जाने के बाद जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जाता है, लेकिन इस वर्ष दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक ही कंबल वितरण करने का दावा महापौर राजेश वर्मा ने किया है। हालांकि ऐसे दावे हर वर्ष किए जाते हैं। उप महापौर राजेश वर्मा ने कहा कि इस बार दिसंबर के पहले से दूसरे सप्ताह तक जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण कर दिया जाएगा। हर वर्ष नगर आयुक्त के कारण कंबल वितरण में देरी हो रही थी, इस बार देर नहीं होगी। टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, टेंडर के बाद 21 दिनों का वक्त लगता है। क्योंकि सरकारी पदाधिकारी के सिग्नेचर के बिना, उनके प्रेजेंस के बिना जेम पोर्टल में डालने से लेकर फिर उसको क्वालिटी चेक से लेकर रेट से लेकर एलवन से लेकर तमाम चीज़ों में, तो पदाधिकारी के इन्वॉल्वमेंट के बिना उसको पूरा नहीं किया सकता। हम लोग जनप्रतिनिधि के साथ साथ पदाधिकारी भी उसमें चाहिए, इसीलिए इस वर्ष 100% जो है दिसंबर हम लोग मीट तक सभी शहरवासियों को कंबल देने का काम करें। वहीं वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि पिछले वर्ष भी कंबल वितरण गर्मी में किया गया, इस वर्ष चुनावी साल है, इसलिए जितनी जल्दी कंबल वितरण हो जाए उतना सही होगा, क्योंकि अगर हम लोगों के पास पहुंचेंगे तो कहेंगे कि हमें तो ठंड में कंबल भी नहीं मिला, हम वोट क्यों देंगे। बहरहाल इस वर्ष भी जरूरतमंदों को नगर निगम का कंबल मिल पाता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। पिछले साल भी कम्बल वितरण करने के लिए हम लोगों ने दबाव बनाया था, लेकिन समय पर कम्बल का वितरण नहीं किया गया। इसके पिछले से पिछले साल जाड़ा में कम्बल बंटना चाहिए, लेकिन गर्मी में कम्बल दिया गया। इस बार फिर हम लोग नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय से बात किए हैं कि समय पर कम्बल का वितरण कर दिया जाए, इसलिए कि इस बार चुनावी साल है और चुनाव के समय में जब हम लोग अपने वार्ड में गरीबों के बीच अपने पक्ष में मतदान करने के लिए वोट मांगने जाएंगे तो वह पहला प्रश्न करेगा कि भाई जाड़ा में आपने कम्बल नहीं दिया, इसलिए समय पर कम्बल का वितरण होना चाहिए। नगर आयुक्त महोदय ने कहा है कि इस बार समय पर वितरण करेंगे, लेकिन नगर निगम के कार्य करने की जो शैली है उस शैली से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। उम्मीद करते हैं कि समय पर बंटना चाहिए, लेकिन बट जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बटेगा तो फिर हम लोग इसके विरोध में आंदोलन करेंगे। एक्चुअली है क्या कि नगर निगम में जो जनहित का मामला है, गरीबों के बीच नगर निगम से राहत से लेकर कम्बल वितरण की बात होती है, वहाँ पर काम करने का जो शैली है बहुत ही खराब है, समय पर काम नहीं होता है। और जब हम लोग दबाव बनाते हैं तो कहता है नगर निगम कि आंतरिक संसाधन में पैसा नहीं है, जिसके चलते हम लोग नहीं दे पाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आंतरिक संसाधन से जब छोटा से बड़ा गली का नाला का निर्माण हो सकता है तो गरीबों को कम्बल क्यों नहीं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शराबबंदी पर समीक्षा बैठक से पूर्व कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही है, समीक्षा जरूर करिए लेकिन सब कुछ देखिए। जब शराबबंदी पूरी तरह से आप लागू नहीं कर पा रहे हैं, तिगुनी कीमत पर बेचिए और उसके राजस्व से युवकों को रोजगार दीजिए, इससे बिहार में अपराध भी घटेगा। सारे पुलिस पदाधिकारी शराब के पीछे पड़े हैं और अपराध चरम सीमा पर है। बता दें, बीते दिनों समस्तीपुर, बेतिया, गोपालगंज समेत कई जिलों के दर्जनों लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को शराबबंदी पर समीक्षा करने की बात कही है। सदन में सभी पार्टी के लोगों ने इसका समर्थन दिया था, लेकिन हो क्या रहा है? यूपी से, झारखंड से, बंगाल से, हरियाणा से पूरे शराब के खेप आ रहे हैं। क्या बिहार में शराब बिना पदाधिकारियों प्रशासन के मिले हुए सारे खेप आ रहे हैं और बिक रहे, एक एक जगह, एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक सब जगह बिक रहे हैं? आप समीक्षा जरूर करिए, लेकिन समीक्षा में यह भी देखिए कि जहरीली शराब जो फ्यूरियस लीकर बन रहे हैं यहाँ बिहार में, उससे मौतें कितनी हो रही है? 100 के आंकड़ा ऊपर है। आप की पूरे जेल की कैपेसिटी अगर लीजिएगा पूरे बिहार का, तो मुझे जो सूचना है कि 45,000 लोग ही रह सकते हैं। आपका डाटा जो बताता है 3 लाख से ऊपर आपने शराब में धंधे में जो लगे हुए हैं, जो मिले हुए हैं, उनको आप पकड़ने का काम किया, ताकि उनको रख आ रहे हैं।